दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए आप लोगों के लिए तीन बड़ी न्यूज है और बहुत ही अच्छी न्यूज है, और इसमें आज के वीडियो में बताऊंगा कि आरआरबी ग्रुप डी में कट ऑफ कितनी जाने वाली है और कितने कैंडिडेट ने ग्रुप डी के एग्जाम दिए हैं और साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों जो है टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है उसको मैं जल्दी बताऊंगा, सबसे बढ़िया टॉपिक है जो कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छा लगेगा कट ऑफ के बारे में, और जो कितने कैंडिडेट ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक अच्छी खुशखबरी है जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि इसका कारण जो है बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है इस बार ग्रुप डी की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी की कट ऑफ क्यों कम जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, सबसे पहले तो इसकी कुछ बेसिक के बारे में बता देता हूँ कि देखिए, शिफ्ट वाइज जो पेपर हुए थे बहुत ही शिफ्ट वाइज हुए थे, आपको पता ही होगा, पर बहुत ही हार्ड पेपर आया था, ठीक है। और ऐसा पेपर आया था कि यार आईएएस के एग्जाम की तरह था और लोग कंफ्यूज हो गए थे, यार इतना हार्ड पेपर कैसे आ गया। लोगों ने एनालिसिस किया था कि यार पेपर तो ईजी आना चाहिए, पर इतना हार्ड पेपर आ गया जिसके कारण लोग की कट ऑफ कम गई, लोगों ने पेपर में अटेंड भी कम ही किया क्योंकि लोगों ने तैयारी उसी हिसाब से की थी ग्रुप डी के एग्जाम से, पर इतनी हार्ड आ गई कि उन्होंने कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो जनरल की जो है 55 की कट ऑफ जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, या कम ही हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगी, ये तो पूरी उम्मीद है और पूरा ऐसा कंफर्म कहा जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो 52 कट ऑफ जाने वाली है, जनरल की 55 जाएगी, ओबीसी की 52, एससी की 43 जाने की कट ऑफ उम्मीद है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो है वो 30 कट ऑफ जाएगी। बहुत ही कम कट ऑफ है एससी की जो है 43 से 46 के बीच में। अगर आप सभी के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी फिजिकल के लिए यानी पीईटी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप लोग मुझे कुछ कम से कम एक तोहफा तो दें लाइक करके। देखिए, एनालिसिस मैंने पूरा इस वीडियो मतलब किया है ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो ला सकूं और आपको अच्छी खुशखबरी दे सकूं। देखिए, अब आपको लास्ट में खुशखबरी देने वाला हूँ, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब बात कर लेते हैं, पेपर जो है 17 दिसंबर को खत्म हो गया, यानी कल ही खत्म हुआ था पेपर जो है, आज हो चुकी 19 तारीख, लेकिन 17 दिसंबर को ये पेपर खत्म हो चुका है। रिजल्ट जो है वो जनवरी के माह में आएगा, जनवरी के एंड में ही रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज है क्योंकि रिजल्ट जो है जनवरी के एंड में आएगा। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए फिजिकल के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, और जिनकी कट ऑफ 55 से बन रही है, जो आपने मैंने शुरू शुरू में बता दिया कट ऑफ के बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को मतलब जो देख लेना, ठीक है। तो रिजल्ट जनवरी में आएगा और तैयार हो जाओ फिजिकल के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए, अब खुशखबरी की बात कर लीजिए, आपको ज़्यादा सताता नहीं हूँ, क्योंकि खुशखबरी की अब जल्दी बात कर लेते हैं। देखिए, खुशखबरी जो ये है कि अटेंडेंस में 60% ही रही है, और ऐसी न्यूज़ पूरी आ चुकी है, ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है, NDTV पर आ चुकी है और बाकी हिंदुस्तान टाइम्स पर भी आया हुआ है कि 60% स्टूडेंट ने हाजिरी लगाई है, अटेंड हुए इसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। मतलब अटेंडेंस कम होगी तो कट ऑफ तो अपने आप कम होगी, क्योंकि यार लोगों अगर कम आएंगे तो, लेकिन कट ऑफ तो कम ही बनेगी, क्योंकि लोग तो एक तो बाहर आ रहा था उनका सेंटर, जिसके कारण कम लोग गए और कई लोगों की तैयारी नहीं थी, और कई लोग तो स्टूडेंट लेटर गए क्योंकि यार पेपर इतना हार्ड आ रहा था, उनको पता था कि अब तो कुछ होना नहीं, तो वो लोग पेपर देने ही नहीं गए, जिससे कट ऑफ जो है बहुत ही कम हो गया। तो अब आप लोग, लेकिन एक और बात बता देता हूँ, जो 60% आया ना, उनकी तैयारी फुल थी और इसी से आपका कंपटीशन भी है, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि जो है आपकी जो कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कट ऑफ तो भले मैंने आपको बता दी, लेकिन कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब जरूर कर दो यार चैनल को, ठीक है। दोस्तों सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी के जो न्यूज़ होती है वो सारी न्यूज़ सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, मिलते हैं।